क्या चाइना क्रिप्टोकरेंसीज को लीगल कर रहा है, और अगर चाइना के अंदर क्रिप्टोकरेंसीज लीगल होती हैं तो कौन कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जैसे बिटटॉरेंट, टीआरएक्स और ऐसे कौन से कॉइन्स हैं जैसे वीईटी, इनसे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका प्राइस कहां तक पंप कर सकता है? क्या नेक्स्ट बुल सीजन जो है यहाँ पे 2023 से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि हांगकॉन्ग के अंदर 2023 से ही जो है यहाँ पे क्रिप्टोकरेंसीज को ट्रेडिंग के लिए अलाउ किया जाएगा और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगी? और उसके बाद यहाँ पे मैं एक ट्वीट भी दिखाऊंगा जस्टिन सन का, जो जनवरी मंथ में उसने किया था और कहा था कि मेरा ये टारगेट है कि 5 कंट्रीज़ में कम से कम यहाँ पे 2023 के अंदर TRX को लीगल टेंडर बनाया जाए। लीगल टेंडर बनाया जाए क्या मतलब है कि TRX ट्रॉन कॉइन को एज अ पेमेंट ऑप्शन जो है वो यूज़ किया जाए। तो ये सारी अपडेट्स जो हैं आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम है असद, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल, तो जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो के रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स एंड रिव्यूज मिलते हैं। अगर यहाँ पे फॉरेन अफेयर्स में यहाँ पे आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा तो आपको पता होगा कि पहले क्रिप्टो करेंसीज चाइना के अंदर लीगल थी, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे 2018, 19, 20 में यहाँ पे माइनिंग बंद कर दी और उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग भी बंद कर दी। अभी वो जो है इसको दोबारा से लीगल करने जा रहे हैं। तो आपको ये पता तो होगा कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग का एक हब है, दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ें वहीं पर मैन्युफैक्चर होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब उनकी ग्रोथ जो है वो कम हो रही है और अभी वो जो है टेक्निकल चीज़ों की तरफ जैसे क्रिप्टो करेंसीज हो गया, AI हो गया, इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अब सारी दुनिया की सभी कंट्रीज ऑलमोस्ट जो है करना शुरू कर चुकी हैं और अब उनकी ग्रोथ जो है एक जगह पे स्टेबल हो गई है। तो इसी तरह इंडिया को भी फर्स्ट मूवर बनना चाहिए और पहले ही चीजों को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो चलिए ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सारी बातें जो है आपको बताते हैं। ट्रॉन, बिटटॉरेंट और अदर क्रिप्टो करेंसीज जो चाइना के साथ लिंक है, क्या वो पंप हो सकती है 2023 के अंदर? यहाँ पे जस्टिन सन का एक ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। माई KPI फॉर 2023 इज टू गेट 5 countries टू अडॉप्ट TRX एज लीगल टेंडर। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज थी उस टाइम पे जो है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया था और कहा था कि जस्टिन सन जो है ऐसी स्टेटमेंट्स देता रहता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जो कि अभी हमें सच होती हुई दिख रही है। और यहाँ पे ये जो ट्वीट किया गया था ये 29 जनवरी 2023 को किया गया था और यहाँ पे एक और ट्वीट, उसका रिप्लाई अगर आप देखोगे, बाय 2023 आई होप टू सी TRX वाइडली एक्सेप्टेड एंड यूज इन एट लीस्ट 5 countries एज लीगल टेंडर एंड फॉर दिस टू बी जस्ट द बिगिनिंग ऑफ वाइडर अडॉप्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इन जनरल। तो यहाँ पे ये जो कुछ स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पे ट्विटर के ऊपर जस्टिन सन की तरफ से दिए गए थे, जिसका उस टाइम पे तो क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हुआ था, लेकिन अगर अभी आप देखोगे तो अभी यहाँ पे न्यूज एंड अपडेट्स आ रही हैं और यहाँ पे ये कंफर्म भी हो चुका है हांगकांग की गवर्नमेंट की तरफ से, वहां के ऑफिशियल्स की तरफ से, कि यहाँ पे अभी जो है क्रिप्टो करेंसीज को वहां पे लीगल किया जा रहा है। और इसी स्टेप के अंदर शायद हमें यहाँ पे देखने को मिले कि यहाँ पे जो TRX ट्रॉन कॉइन है उसको एज अ लीगल टेंडर यूज किया जाए। TRX मतलब क्या है, यहाँ पे लीगल टेंडर का मतलब क्या है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। लीगल टेंडर का मतलब ये है कि यहाँ पे एज अ पेमेंट आप ट्रॉन को यूज कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि ट्रॉन को आप एज अ पेमेंट ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप बिट टॉरेंट का देखोगे, बिट टॉरेंट की अपडेट देखोगे, तो बिट टॉरेंट यहाँ पे 60.4% ऑफ 990 बिलियन BTT कोड जो है उसको बर्न कर दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी अपडेट है बिट टॉरेंट को लेके। अगर जस्टिन सन के बारे में आप नहीं जानते, आप क्रिप्टोकरेंसी में किसी यहाँ पे मीम कॉइन को लेके आए थे या फिर यहाँ पे इलॉन मस्क का ट्वीट देख के आए थे या फिर किसी की ऐसी वीडियो देख के आए थे जिसमें आपको कहा गया था कि 1,00,000 रुपये 1,000 रुपये लगाओ और आप जो है करोड़पति बन जाओगे, या फिर ये कॉइन मेरे कहने पे ले लो और आप अरबपति बन जाओगे, ऐसी फेक वीडियोस से, ऐसे यहाँ पे मिसलीडिंग थंबनेल से बच के रहिए। क्रिप्टोकरेंसीज के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा जितना प्रॉफिट के चांसेस होते हैं उतने ही ज्यादा रिस्क के चांसेस भी होते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि 10 दिन में आपका पैसा डबल हो जाएगा तो 1 दिन की में आपका पैसा 0 भी हो सकता है, ये सोच के इसके बाद ही क्रिप्टोकरेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करिएगा। अब बात करते हैं क्या इससे ट्रॉन के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर ट्रॉन को एज अ पेमेंट यूज किया जाता है तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ट्रॉन के लिए, और अगर
चाइना के अंदर इसको एक्सेप्ट किया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज होने वाली है जो ट्रोन कॉइन की कम्युनिटी है। आई नो ट्रोन के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है, बहुत सारी अपडेट आप लोगों के लिए दी है, और मैंने कहा है कि 2024-25 तक ट्रोन जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है और कम से कम इसका प्राइस जो है $1 से $5 तक जा सकता है। जी हाँ, यहाँ पे ट्रोन की, क्योंकि ट्रोन के अंदर बर्निंग भी हो रही है, इन्होंने यहाँ पे यूएसडीटी जो स्टेबल कॉइन है वो लॉन्च किया है, और उसके साथ साथ ट्रोन की ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारी ट्रांजेक्शन अभी बेयर मार्केट है फिर भी हो रही है, और हर एक ट्रांजेक्शन के साथ ट्रोन कॉइन बर्न होता है, तो बहुत जल्दी हमें इसका प्राइस जो है यहाँ पे $1 के आसपास देखने को मिल सकता है। जी हाँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि मैं $1 का बोल रहा हूँ, लेकिन कम से कम 50 सेंट से लेके इसका $1 तक प्राइस जो है वो जा सकता है अगर ये चाइना के अंदर लीगल हो जाता है, और ऐसी ही न्यूज एंड अपडेट्स अगर हमें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे उसी के साथ साथ अगर ट्रोन कॉइन लीगल हो जाता है तो ट्रोन के इकोसिस्टम पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह से बिट टॉरेंट हो गया, विंग कॉइन हो गया, जस्ट टोकन हो गया, और भी बहुत सारे टोकन्स हैं, उन सभी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और बिट टॉरेंट को तो ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो यूज कर रही हैं, जैसे मेटा कंपनी जिसका फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप है, गूगल यहाँ पे यूज कर रहा है, उसके साथ साथ नेटफ्लिक्स यूज कर रहा है, तो बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी जो है बिट टॉरेंट की सर्विसेज यूज कर रही है। अगर आप करंट रैंक देखोगे तो 76 रैंक है। ये कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जिन्होंने यहाँ पे हमें कोई मूवमेंट नहीं दिखाई इतनी बड़ी न्यूज के बाद भी। अगर आप देखोगे अभी अपने ऑल टाइम हाई से 76% अभी भी जो है बिट टॉरेंट डाउन चल रहा है, तो यहाँ पे बर्निंग भी जो है यहाँ पे बिट टॉरेंट ओल्ड की जो है वो होती जा रही है। और यहाँ पे ये सारी न्यूज एंड अपडेट्स आपको इनके टेलीग्राम चैनल के ऊपर, सॉरी इंस्टाग्राम ट्विटर चैनल के ऊपर भी आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे APR एनुअल रिटर्न जो कितना मिल रहा है बिट टॉरेंट और TRX, उसका 104%, इथेरियम और BTT का 120%, USDD और बिट टॉरेंट का 117%। तो जो लोग भी होल्ड कर रहे हैं वो यहाँ पे अपना स्टेकिंग करके रिवॉर्ड्स भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये जो न्यूज है, यहाँ पे CFX टोकन का आपने देखा होगा, Some of the China coins that ground over the last week are also seeing a slight correction. यहाँ पे अगर आप देखोगे Conflux, which is up, यहाँ पे striving 485% जो during last week is down by 4.7%. यहाँ पे थोड़ा सा इसका price down आया था, लेकिन दोबारा से आपने देखा होगा CFX ने जो है कितना ज्यादा profit दिया है। Overall यही news है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे 2023 के अंदर हमें बुल सीजन की शुरुआत होती हुई दिख सकती है, और मैंने पहले ही बताया था कि 2023 के मिड से हमें जो है यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलेंगी और यहाँ पे बुल रन का जो है स्टार्ट हमें देखने को मिलेगा। अगर डिप में आपने एंट्रीज नहीं ली तो एंट्रीज लेना स्टार्ट कर दीजिए, पार्ट एंट्रीज लीजिए, और उसके साथ साथ यहाँ पे लॉन्ग टर्म का विजन रखिए। 20%, 25% या 50% के लिए आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर मत आइए, यहाँ से कम 5x, 10x, 20x तक का देखिए, और यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करके रखिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम के ऊपर जाइए और पिंड पोस्ट आपको मिल जाएगी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका क्रिप्टो के रिलेटेड रह गया है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं सभी क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करता हूँ। हर एक बंदे का जो है यहाँ पे जो कमेंट होता है वो मैं पर्सनली रीड करता हूँ और उसको रिप्लाई भी करता हूँ। उसके बाद अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं VET, वी चैन भी जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं चाइना से ही है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे इसने एक अच्छा प्रॉफिट जो है लोगों को दिया है, कम से कम 100% का प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुका है, और यहाँ पे $0.03 जो है यहाँ पे इसने लास्ट 24 आवर्स का हाई है, और रैंक अगर आप देखोगे 33 रैंक है। और अगर यहाँ पे आप एक चीज और देखना चाहोगे, यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी 89% डाउन चल रहा है। अभी भी आपके पास चांस है, VET चेन के ऊपर जरूर नजर रखिएगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ कॉइन्स हैं जैसे फाइल कॉइन के ऊपर भी अपनी नजर रखिएगा, और BNB पे खासकर नजर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे BNB की जड़ें भी जो है कहीं ना कहीं वो हमें जो है चाइना से मिलती हुई दिखती हैं। एक मिनट, यहाँ पे मैं फाइल कॉइन को दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, फाइल कॉइन, और यहाँ पे फाइल कॉइन भी जो है स्टोरेज के लिए भी यूज होता है, Web3 का प्रोजेक्ट है, बहुत सारी ऐसी अपडेट्स जो है वो फाइल कॉइन को भी लेके हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं हम सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक्स। और यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अपना पर्सनल ओपिनियन जरूर बताइएगा, क्या आपको लगता है कि ट्रॉन कॉइन $10 जा सकता है या फिर नहीं जा सकता। कॉमेंट्स में अपना ओपिनियन जो है वो जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए। अगर आप ऐसे ही क्रिप्टो के रिलेटेड अप टू डेट रहना चाहते हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है असद, आप देख रहे थे क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।